कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को लेकर सामने आई बहुत बड़ी खबर। भाजपा में मचा हड़कंप। मेहसाणा की एक सत्र अदालत ने वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी और 10 अन्य आरोपियों पर अदालत की अनुमति के बिना गुजरात छोड़ने पर रोक लगा दी है। 2017 में पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में मेवाणी और अन्य आरोपियों को 3 महीने के कारावास का आदेश दिया था। कारावास से बचने के लिए निचली अदालत के निर्देश को फैसले की तारीख से 1 महीने के भीतर चुनौती दी जानी थी। जैसे ही आरोपी ने 3 जून को जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, न्यायाधीश ने जमानत दे दी। हालांकि यह शर्त रखी कि मेवाणी और अन्य आरोपी गुजरात नहीं छोड़ सकते और उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत की हिरासत में रखने की जरूरत है। इस मामले के अन्य आरोपियों को रांगकंपा नेता रेशमा पटेल और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के समन्वयक सुबोध परमार शामिल है। मालूम हो कि अदालत ने पिछले महीने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत गैर कानूनी सभा में शामिल होने का दोषी ठहराया है। सभी 10 दोषियों को 3 महीने की कैद और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मेवाणी ने कहा, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं देश भर के लोगों की ओर से स्वागत किया गया नेता हूं। हाल ही में मैं उपचुनाव के प्रचार के लिए केरल में था। भाजपा को पूरे भारत में मेरे उदय से डर लगता है और इसलिए वे हर तरह से मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी और गर्व है कि हमारी आज़ादी कूच यात्रा के कारण पिछले 50 वर्षों से अतिक्रमण की गई भूमि को मुक्त कराया गया।